यूपी के मेडिकल कॉलेजों को मिले 2000 जूनियर डॉक्टर, पहली बार सेवा बॉन्ड के तहत तैनाती। चिकित्सा स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए अच्छी खबर है। प्रदेश के सभी सरकारी मेडिकल कॉलेजों को करीब 2000 नए जूनियर डॉक्टर मिल गए हैं। इन डॉक्टरों को सरकारी सेवा बॉन्ड के तहत तैनाती दी गई है। ये पहला मौका है जब प्रदेश में MBBS पूरी करने वालों को बॉन्ड के तहत मेडिकल कॉलेजों में भेजा गया है। हर मेडिकल कॉलेज को 40 से 50 तक नए डॉक्टर 2 साल के लिए मिल गए हैं। किताबी ज्ञान के बाद अब इन डॉक्टरों को हर तरह के मरीजों के इलाज से व्यवहारिक ज्ञान भी मिल सकेगा। प्रदेश में अभी तक सरकारी सेवा बॉन्ड के तहत MD और MS करने वालों को मेडिकल कॉलेजों में तैनात किया जाता था, मगर पहली बार 2018 बैच के MBBS करने वाले छात्र छात्राओं को मेडिकल कॉलेजों में भेजा गया है। काउंसलिंग के जरिए भेजे गए ये जूनियर डॉक्टर 2 साल तक निःशुल्क सेवाएं देंगे। चिकित्सा शिक्षा महानिदेशालय द्वारा इन छात्रों की तैनाती के लिए गत 22 मई से काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू की थी। पहले 28 मई तक इनका ऑनलाइन पंजीकरण कराया गया, फिर उनके अभिलेखों का ऑनलाइन सत्यापन किया गया। पंजीकृत अभ्यर्थियों के मेरिट लिस्ट प्रकाशन के बाद सीट आवंटन का परिणाम घोषित किया गया, उसके बाद उन्हें कॉलेज आवंटित कर दी गई। ये पूरी प्रक्रिया 10 जून तक चली। इन डॉक्टरों को अब मेडिकल कॉलेजों में आने वाले तमाम मरीजों के इलाज के दौरान सीनियर डॉक्टरों से व्यवहारिक ज्ञान मिल सकेगा। वहीं मेडिकल कॉलेजों को भी मुफ्त में इन डॉक्टरों की सेवाएं मिल सकेंगी।